बीजेपी आपके मंत्री कर रहे हैं, मायावती ने अपने नेताओं को कहा है कि दलितों के गांव में चौपाल, तो राजनीतिक दल तो सभी कर रहे हैं, मायावती भी अब आगे बढ़ गई। मायावती करना हो कर लें, कोई करना हो कर लें, लेकिन 2 अप्रैल की जो घटना है, 2 अप्रैल की जो घटना है वह कुछ और ही बताती है। डॉक्टर तभी सफल हो सकता है जब मर्ज सही पहचान सके, और डॉक्टर दे रहा बुखार की दवा और मर्ज पीड़ित है पेट से, पेट के दर्द से पीड़ित है। तो 2 अप्रैल को किस लिए सड़कों पर उतर आए कि मेरे यहाँ कोई आकर के खाना खाए या मेरे यहाँ चाय पिए, मेरे साथ उठना, उसके लिए तो नहीं आए हैं। जिन बातों को लेकर के सड़कों पर आए हैं उन बातों के पर विचार किया जाए, उनकी मांगों को विचार किया, उनकी आकांक्षाओं के ऊपर ध्यान दिया जाए। एक आखिरी सवाल, उदित राज आप बीजेपी के सांसद हैं, दिल्ली से सांसद हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, क्यों नहीं अपनी सरकार को कह रहा हूँ कि बीजेपी का एमपी की तरह से कर रहा हूँ, मैं तो 20 साल से कर रहा हूँ इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, दलित कार्यकर्ता हूँ, एक नागरिक हूँ, मैंने तो पहले ही कह दिया है। और पार्टी के बारे में जो प्रवक्ता है उनसे पूछा जाना चाहिए, मैं कोई प्रवक्ता हूँ क्या? तो मैं बीजेपी का यहाँ पर प्रवक्ता के रूप में नहीं, एक कार्यकर्ता के, दलित समाज के कार्यकर्ता के रूप में, उस समाज का होने की वजह से, के दृष्टि से मैं यहाँ बात करूँगा।